कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 1 -5, 7, -1, 3 AB और -A, -B। तो ये तीन प्रश्न दिए, तीन में से हम किन्हीं दो को करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। हम क्या जानते हैं, सूत्र पी क्यू बराबर इसे दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालना, मतलब फार्मूला क्या है, फार्मूला है x1 - x2 / y1 - y2 / 2। इस फार्मूले का हम उपयोग करते हुए हल करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबरी से क्या x1 - x2, मान लो 2, 3 को ले रहे हैं, है ना, तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, x1, 2 हो गया x1, x2 क्या हो गया 4, y1 3, ऋण y2 1, पूरे की घात 2। अब इसका हम हल करेंगे, इसका हल किस प्रकार से होगा, देखिए PQ बराबरी से, ध्यान दीजिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो ऋण 2 पूरे की घात 2, 3 में से 1 को घटाएं तो 2 पूरे की घात 2। PQ बराबरी से ऋण 2 का वर्ग 4, धन 2 का वर्ग 4, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8, करणी 8, करणी 8 को देखें तो 2 करणी 2 किसके, अतः यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2 करणी 2 इकाई। ये हमने अभी प्रश्न पहला किया था, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, तीसरे को अपन कर रहे हैं, किसके मध्य दूरी, ए बी और ऋण ए और बी के मध्य दूरी। तो ये था पहला, पुनः किनके a, b व ऋण बी के क्या बीच दूरी, तो दूरी का हम सूत्र लिख लेंगे, क्या है पी क्यू बराबरी से करणी के अंदर x1 - x2 पूरे की घात 2 धन y1 - y2 पूरे की घात 2, करणी का चिन्ह पूरा एंडिंग तक जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x1 मतलब ए, y1 मतलब बी, x2 मतलब ऋण ए, y2 मतलब ऋण बी, इन्हीं मानों को हम रखेंगे। तो देखिए मान क्या आएगा, x1 ए, x2 ऋण, ऋण ऋण धन ए, y1 बी, y2 ऋण बी, ऋण ऋण पूरे की घात 2। ए में ए को जोड़ा तो क्या आएगा 2a होल स्क्वायर, बी में बी को जोड़ा तो क्या आएगा 2b होल स्क्वायर। अब 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b का, करनी के बाहर अगर 4 को निकालेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू बराबरी से 2 करनी के बाहर करनी के अंदर a² + b² तो यही क्या ए बी और ऋण ए और ऋण बी के मध्य की दूरी है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।